प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं वाराणसी में, आपको हम ये सुनाते हैं। अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र जी, राज्य सरकार के मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित विद्वज्जन, प्रतिभागी साथियों, देवी और सज्जनों, आप सब परिवार के लोगों के हमार प्रणाम। महामना के इस प्रांगण में आप सब विद्वानों और विशेषकर युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय वैसे भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है, आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और अभी मुझे काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता और काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने का अवसर मिला। मैं सभी विजेताओं को उनके परिश्रम, उनकी प्रतिभा के लिए बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं, उनके गुरुजनों को भी बधाई देता हूं। जो युवा सफलता से कुछ कदम दूर रह गए, कुछ तो होंगे जो चार पे आके अटके हुए होंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप काशी की ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने, उसकी प्रतियोगिता में भी शामिल हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। आप में से कोई भी साथी हारा नहीं है, न ही पीछे रहा है। आप इस भागीदारी के जरिए काफी कुछ नया सीखकर कई कदम और आगे आए हैं। इसलिए इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाला हर कोई बधाई के पात्र है। मैं इस आयोजन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, काशी विद्वत परिषद और सभी विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपने काशी के सांसद के रूप में मेरे विजन को साकार करने में
बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अभूतपूर्व सहयोग किया। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। इसके अलावा जितनी भी सांसद प्रतियोगिता काशी में आयोजित हुई है उन पर भी छोटी छोटी किताबों को लॉन्च किया गया है। मैं सभी काशीवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, आप भी तो जानते हैं, हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला वो धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंदमय है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। आज एक बार फिर काशी के हमारे परिवार के लोगों के लिए करोड़ों रुपया के योजना का लोकार्पण होता है। शिवरात्रि और रंग भरी एकादशी पहले काशी में आज विकास का उत्सव मने जाता है। अभी मंच पर आने से पहले मैं काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता की गैलरी देख रहा था। 10 वर्षों में विकास की गंगा ने काशी को सींचा है। काशी कितनी तेजी से बदली है ये आप सभी ने साक्षात देखा है। मैं सही बोल रहा हूं ना? तो आप बताएं तो पता चले भाई, सचमुच में जो कह रहा हूं सही है? बदला है, संतोष है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने तो पहले वाली काशी देखी ही नहीं होगी, उनको तो आम बात बढ़िया काशी दिख रही होगी। यही मेरी काशी का सामर्थ्य है और यही काशी के लोगों का सम्मान है, यही महादेव की कृपा की ताकत है। बाबा जौन चाह झालन ओके के रोक पावेला। यही लिए बनारस में जब भी कुछ सब होला लोग हाथ उठा के बोलवरन नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा
पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। काशी जैसे हमारे तीर्थ और विश्वनाथ धाम जैसे हमारे मंदिर ही राष्ट्र की प्रगति की यज्ञशाला हुआ करती थी। यहां साधना भी होती थी, शास्त्रार्थ भी होते थे, यहां संवाद भी होता था, शोध भी होता था, जहां संस्कृति के स्रोत भी थे, साहित्य संगीत की सरिताएं भी थी। इसलिए आप देखिए, भारत ने जितने भी नए विचार दिए, नए विज्ञान दिए, उनका संबंध किसी न किसी सांस्कृतिक केंद्र से है। काशी का उदाहरण हमारे सामने है। काशी शिव की भी नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है। काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहां से बोध मिला है। पूरे देश से और दुनिया के कोने कोने से भी ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। हर प्रांत, हर भाषा, हर बोली, हर रिवाज इसके लोग काशी आकर बसे हैं। जिस एक स्थान पर ऐसी विविधता होती है, वहीं नए विचारों का जन्म होता है। जहां नए विचार पनपते हैं, वहीं से प्रगति की संभावनाएं पनपती है। इसलिए भाइयों बहनों, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर मैंने कहा था, याद कीजिए उस समय मैंने क्या कहा था। उस समय मैंने कहा था, विश्वनाथ धाम भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, भारत को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगा। आज ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने भव्य रूप में विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक भविष्य की ओर ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रीय भूमिका में लौट रहा है।